हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हमारे पास ये जो पुराने कपड़े ऐसे ही जिसको हम यूज नहीं करते, उनका हम अच्छे से यूज करना बताएंगे। ये देखिए, तो इनसे बहुत ही सुंदर एक हम फ्रेंड्स डोरमेट बनाएंगे। तो देखिए, इसको हम नीचे से कट कर देंगे। और इसमें से अब हम पट्टियां बनाएंगे। देखिए, नीचे इसमें और कपड़ा है, उसको हम अलग से यूज करेंगे। और इसकी हम फ्रेंड्स ऐसी चौड़ी चौड़ी हम चार चार ऐसे उंगली हम रखें, तो इतनी चौड़ी चौड़ी मैं इसकी पट्टियां बना लूंगी। अगर इसमें सिलाई है तो आप सिलाई इसकी खोल दीजिए। ये देखिए, इतनी चौड़ी चौड़ी मैं इसकी पट्टियां बना लूंगी, इसकी भी। और जैसे मेरे पास लेगिंग है, इसमें से भी मैं इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियां निकाल लूंगी। एक ये और कुर्ती है, तो मैं इसकी पट्टियां बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, आइडिया मैंने आपको दे दिया, इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियां आप इसमें से बना लीजिए। ये देखिए, तीनों में से मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियां मैंने ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, बीच में ये रखेंगे दोनों साइड इसके। हम पिन कैसे भी आप इसमें रख सकते हो। यहाँ पे आपने एक ज्वाइंट लगाना है, या तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे कर देना, या आप इसमें सेफ्टी पिन लगा के, या किसी चीज के नीचे आप इसको दबा दीजिए, या किसी को आप इसको पकड़ा दीजिए। जो भी आपको इजी तरीका लगे, आप इसको ऐसे ही करना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको बांध भी सकते हो किसी चीज से। तो देखिए, अब जैसे हम चोटी बनाते हैं, अब चोटी की तरह हम इसमें बनाएंगे इसको। जो भी आपके पास कपड़ा पड़ा हो, आप ऐसे ही देखिए। ये कलरफुल बनेगा और पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज की ये पट्टियां हैं। कहीं से फ्लावर आएगा, कहीं से प्लेन आएगा। आप इसमें कोई भी कुर्ती, साड़ी, चुन्नी कुछ भी आपके पास हो, तो आप उसी से ये ऐसे आप बना लीजिए। ये देखिए, ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको एक बार इसमें ज्वाइंट लगाना और बताऊंगी कि इसमें हमने ज्वाइंट कैसे लगाना है। एक पट्टी इसमें मेरी छोटी थी, दो अभी मेरी बड़ी हैं। जो भी आपकी पट्टी छोटी होती जाए, उसी में आप दूसरा ऐड करते जाइए। ये भी जरूरी नहीं कि आपने इसमें ब्लैक ही लगाना है, कोई भी आप इसमें कपड़ा ज्वाइंट कर दीजिए। तो देखिए, जैसे मेरी इतनी रह गई, तो अब मैं इसमें दूसरा ब्लैक पट्टी इसमें पहले ही इसमें मैं ऐसे लगा लूंगी अंदर करके आप इसमें, और फिर से आप इसको ऐसे ही
बना दीजिए। थोड़ा सा आप पकड़ के रखिए जब तक आपका इसमें ज्वाइंट लगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा ज्वाइंट लग गया। जो भी आपके पास, इसको आप ऐसे अंदर ले लीजिए। देखिए नीचे की साइड भी हमारा दिखाई नहीं देगा। अब मेरे पास ये पट्टी छोटी हो गई, तो मैं देखिए इसकी मैं पट्टी इसके बीच में अंदर लगा लूंगी और मैं इसको बनाना शुरू करूंगी। जब फ्रेंड्स थोड़ी सी आपके पास ये इतनी बड़ी रह जाए तभी आप इसमें ज्वाइंट अंदर लगाइएगा। सुई से भी आप इसको सील सकते हो और ऐसे भी इसमें ज्वाइंट आसानी से लग जाएगा। ये देखिए, और इसको हम चोटी की तरह से ही बनाते जाएंगे। दो में हमने ज्वाइंट लगा लिया है। ये देखिए अब हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे, तो इसमें भी फ्रेंड्स हम ज्वाइंट ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए ये प्रिंट है और ये मेरे पास ब्लैक है, तो मैं इससे भी इसमें ज्वाइंट लगा दूंगी। एक बार मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि कलर से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, और आप इसको ऐसे ही बनाना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे ही हम इसमें जितने भी आपके पास हो आप ऐसे इसमें लंबी सी चोटी बना लीजिए। तो मैं इसको बना लेती हूँ, बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। देखिए कहीं पे भी आपको इसका ज्वाइंट नजर नहीं आएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इतनी बड़ी मैंने बना ली है, और ये देखिए एंड में मेरा रेड बच गया था। ये दो कलर मेरे खत्म हो गए थे तो मैंने खाली रेड से ये चोटी बना दी। और देखिए यहां से मैंने इक्वल इसको काट दिया है और यहां पे हम अपना सुई से इसको सील देंगे। अच्छे से आप इसको ऐसे पक्का कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे सिरे पे जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी, तो इसको हम निकाल के, और ये देखिए इसको भी हम यहाँ पे ऐसे सील लेंगे। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स बनाने में। जो भी हमारे घर में सामान होता है उसी से ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम धागे को पक्का कर देंगे। देखिए और इसको आप आगे से ऐसे इक्वल काट दीजिए। तो देखिए ये इतनी बड़ी फ्रेंड्स हमने इसको बना लिया है। अब आपको अगर फ्रेंड्स इसमें ओवल शेप का बनाना है तो आप इसको ऐसे करिए, यहां से ऐसे आप इसको सीलना स्टार्ट कर दीजिए और ऐसे आप इसको सिलते जाइए। ये देखिए, और अगर आपको इसको राउंड में बनाना है तो राउंड में आप इसको ऐसे कर दीजिए। ये देखिए, और आप यहां से इसको सिलते जाइए और ऐसे इसको गोल गोल आप ऐसे घुमाते जाइए। तो देखिए हम इसको राउंड शेप में बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स सुई में मैंने धागा ले लिया है। अब हम इसको, ये देखिए ऐसे हम इसको सीलना शुरू करेंगे। ये दोनों तरफ से हमारा एक जैसा बनेगा, तो हम इसको ऐसे सीलना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हम इसमें ज्वाइंट ऐसे लगा लेंगे।
आप हाथ में लेके लगाइए या आप नीचे रख के लगाइए। हमने इसमें ऐसे ऐसे जॉइंट लगाने हैं। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे गोल गोल करते जाएंगे और इसको ऐसे सिलते जाएंगे। ये आप देख सकते हो, एक किनारा ये और एक अंदर से, ऐसे हमने इसमें ऐसे सुई निकालनी है। ये देखिए, एक आप यहां से उठाइए और एक यहां से, इस पे हमारा यहाँ पे ऐसे जॉइंट लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिलना शुरू हो गया। अब मैं इसको पूरा ऐसे राउंड राउंड करते, ये अंदर हमारा बीच में छोटा सा सर्कल हमारा ये प्लेन रेड कलर का बनेगा और फिर देखिए हमारा ये बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसे इसके साथ इसको ऐसे ज्वाइंट करते हुए इसको मैं ऐसे सिल लूंगी। तो देखिए, एक बार मैं आपको दिखा दूंगी कितना बड़ा बनेगा। आप इसको ऐसे घुमाते जाइए, ये देखिए इस तरह से इसके कुछ लुक आएगी। जितना भी बड़ा है आप ऐसे घुमाते जाइए और इसको ऐसे अंदर आप इसमें ज्वाइंट करते जाइए। ये इतना मैंने ज्वाइंट कर लिया, देखिए ये दोनों तरफ से हमारा ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। तो मैं इसको सील लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर इसके बाद दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है। देखिए, इसकी मैंने सिलाई कर दी है। थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें मेरा 15-20 मिनट लगी है, क्योंकि ये जो लेगिंग का कपड़ा था ये होजरी का कपड़ा था, तो उसमें से थोड़ा सा सुई निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये देखिए, इसको हम एंड कर देंगे। ये जो हमने सेफ्टी पिन लगाई थी, हटाया था, ये वो वाला सिरा है, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे पक्का कर देंगे। ऐसे अच्छे से पक्का करना फ्रेंड्स इसको, ताकि ये खुले ना। ये देखिए, और आपके इसका जॉइंट का पता भी नहीं चलेगा। धागे को हम इसे पक्का करके इसको काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इसकी प्यारी लुक आई है। आप ये बहुत ही वॉशेबल है, ये देखिए दोनों साइड से ये एक जैसा है। ये देखिए, आप कोई भी पुराना कपड़ा आप लेके आप इस डोरमेट को बना सकते हो, जो भी आपके पास कपड़ा हो। ये देखिए, ऐसी छोटी छोटी बना के और आप ऐसे इसको सिल दीजिए। ये देखिए, ये बहुत ही हल्का है, हाथ में लेने से बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत ही लुक इसकी बहुत ही प्यारी है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए डिजाइन देखने को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।